ऑल राइट गाइस, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होइएगा और रहना भी चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं मोटो के तरफ से एकदम कमाल कमाल का फोन लेकर के आ रही है, और एक पर एक, मतलब आप किसी भी बजट का उठा करके देख लो, लेकर के ही आ रही है, और सारे फोन्स के अंदर बहुत सारे फीचर्स भर करके दे रही है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ मोटो G85 5G स्मार्टफोन के बारे में, जो कि लॉन्च भी कर दिया गया है और अब सेल भी स्टार्ट हो चुकी है। बट इस फोन के अंदर में क्या कुछ है, क्या वो सारे फीचर्स क्या मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं, सारे चीज को इस वीडियोस के अंदर में कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं और वीडियोस को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो मोटो का अगर डिजाइन की बात कर ले तो डिजाइन लगभग सिमिलर ही दिया जाता है जैसे फ्यूजन में आया था, सेम वही डिजाइन इस फोन के अंदर में भी आपको मिल जाती है। बैक में आपको वैगन लेदर आपको देखने को मिल जाती है, जो कि देखने में आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है वैगन लेदर। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि इसमें आपको वैगन लेदर का सपोर्ट मिल जाता है, मतलब देखने में बहुत ही ज्यादा प्रीमियम आपको लगने वाली है। इसमें दो तीन कलर्स आते हैं, ब्लैक भी आते हैं, ब्लू भी आते हैं, एंड येलो भी आते हैं। बाकी आप लोगों को कौन सा कलर अच्छा लग रहा है वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखा जाए तो वेगन लेदर है और ये लाइट वेट फोन है, 173 ग्राम्स का ये फोन है, जो कि इन हैंड फील आपको, सबसे बड़ी बात है कि ये आपको ये हाथ में बहुत ही ज्यादा पतले हैं, और पतले होने की वजह से ये आपके हाथ में फिट बैठती है, वो एकदम बहुत ही कमाल का देखने में भी लगती है। और फोन भी आप कोई भी उठा करके देख लो, महंगे या फिर सस्ते, सेम ही ये भी देखने में आपको लगेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। डिस्प्ले की बात करते हैं तो डिस्प्ले इसमें जो है वो कर्व डिस्प्ले मिलती है। जी हाँ, आपको ये 16,000 के फोन है लगभग, और इसमें आपको कर्व डिस्प्ले मिलती है। आप समझ सकते हैं, ये जो डिस्प्ले है 6.67 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले मिलती है, ओलेड डिस्प्ले मिलती है। जी हाँ, इसमें आप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स भी है, पंच होल डिस्प्ले है, कर्व डिस्प्ले है। तो ये ज्यादा बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि इसका जो गोरिल्ला ग्लास विक्टर 5 का प्रोटेक्शन से भी मिल जाती है, जो कि गिरती वगैरह है तो ये फोन आपको टूटने से बच जाएगी। और सबसे बड़ी बात होती है प्रॉब्लम कि आप ये जो फोन लेते हैं कोई सा भी कर्व डिस्प्ले, उसका जो डिस्प्ले का क्वालिटी होता है वो थोड़ा सा चीप होती है और टूट जाती है। लेकिन ये फोन को लगभग 200 बार टेस्ट करके ये फिर दिया गया है, ये टूटेगी नहीं जल्दी से। तो ये एक फायदा है इस कर्व डिस्प्ले का, वो भी सिर्फ 16,000 में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मस्त इसका डिस्प्ले दिया गया है। ब्राइटनेस इसमें आपको 1200 का मिल जाता है, अगर बाहर में जाते हैं तो 1600, मतलब 1600 का ब्राइटनेस पिक चली जाती है, ये बहुत अच्छी बात है। विजिबिलिटी की प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं होने वाली। तो डिस्प्ले बहुत ही जबरदस्त दिया गया है। तो इस फोन के अंदर में आपको मिल जाती है 6S Gen 3 का प्रोसेसर मिल जाती है। जी हाँ, 6S Gen 3 का प्रोसेसर मिल जाती है, जो कि 4nm पे बेस्ड है, और इसका बेंचमार्क स्कोर लगभग 4,74,000 के आसपास चली जाती है, जो एक बड़ी स्कोर मानी जाती है। मतलब इस प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये प्रोसेसर बहुत ही दमदार दिया गया है। जी हाँ, अपग्रेड है, पहले के फोन जो आए थे 695 जो स्नैपड्रैगन का था उससे तो बहुत ही बेहतर इसका प्रोसेसर नए दिए गए हैं। तो इसके लिए एक लाइक बनती है, और अगर आप इसमें गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं तो ऐसा करने को, तो आप 60 FPS में BGMI जैसे गेम को प्ले बैक कर सकते हैं। बट अगर आपको स्मूथ गेम चाहिए तो 40 FPS में आप कर लेना, बहुत ही कमाल का इसमें एक्सपीरियंस आपको मिलने वाली है। तो ये गेमिंग अगर आप करते हो तो आप 40 FPS में आप आराम से खेल सकते हैं। बात कर लेते हैं इस फोन की अगर बैटरी कैपेसिटी की, तो बैटरी इसमें 5000 mAh की मिल जाती है। जी हाँ, कम बैटरी नहीं है, 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। साथ में फास्ट वाट 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। LPDDR4X रैम मिल जाती है, UFS 2.2 मिल जाती है स्टोरेज टाइप, और इसमें दो वेरियंट आपको मिल जाती है, 8 128 GB का स्टोरेज और दूसरा जो है 12 256 GB का स्टोरेज मिल जाती है। बाकी देखा जाए छोटे मोटे फीचर्स की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें आपको वाइड वाइल का सपोर्ट मिल जाते हैं। कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं तो कनेक्टिविटी में आपको 12 5G बैंड्स मिल जाते हैं, Wi-Fi 5 मिल जाते हैं, Bluetooth 5.1 मिल जाते हैं, NFC का सपोर्ट नहीं दिया गया। अगर प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो ठीक ही है, NFC मतलब चाहिए भी, बट थोड़ा सा अगर आपको इससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस अगर आप एक्सपेक्टेड कर रहे हो तो आप ले सकते हो, फ्यूजन के साथ जा सकते हो, बट ये प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत कुछ ज्यादा दे रही है। और अभी तो एक आपको पता है कि कॉम्पिटिशन का मार्केट चल रही है। बाकी बात कर लेते हैं इस फोन में अगर मल्टीमीडिया को लेकर के, तो मल्टीमीडिया भी बहुत ही कमाल का है, क्योंकि इसमें आप जो है वो आप HDR में तो आप वीडियोज नहीं देख पाओगे नेटफ्लिक्स वगैरह के अंदर में, क्योंकि ये जो 6S Gen 3 का जो प्रोसेसर होता है उसके कुछ लिमिटेशन है, वो आपको HDR नहीं देखने देगा, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें आप देख सकते हैं नॉर्मली कंटेंट देख सकते हैं, फुल HD में देख सकते हैं, YouTube के अंदर में आप देख सकते हैं, और तो और इससे बड़ी बात है कि इसमें एटमॉस डॉल्बी साउंड का सपोर्ट भी दिया गया है।
तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको सराउंडिंग वाली फील आएगी जब आप इसमें म्यूजिक वगैरह प्लेबैक करोगे। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है मल्टीमीडिया को लेकर के। और अगर बात कर लेते हैं इस फोन की, अगर मेन चीज जो कैमरा होती है, तो कैमरा भैया इसे 50 मेगापिक्सल विथ OIS सोनी लिटिया 600 का सेंसर मिल जाते हैं बैक साइड में, जो कि मेन कैमरा है। दूसरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल का सपोर्ट मिल जाता है। फ्रंट में भी आपको 32 मेगापिक्सल का, जी हाँ 32 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिल जाती है, सेल्फी कैमरा मिल जाती है। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। बाकी अगर आप पिक्चर्स की बात कर लेते हैं, तो पिक्चर्स आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पे कि किस टाइप का इस फोन के अंदर में आपको पिक्चर्स देखने को मिल जाती है, जो कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं पहले से मोटो का जो फोन था उसमें आप कैमरा एक अपग्रेड हो गई है, जो कि सबको पीछे छोड़ रही है और बहुत ही कमाल का पिक्चर्स निकाल करके देती है। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। और अगर बात कर लेते हैं वीडियोग्राफी की, तो वीडियोग्राफी आप इसमें 4K का सपोर्ट नहीं दिया गया है। जी हाँ, 4K इसमें आप नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं। Full HD 30 FPS में बैक से और फ्रंट से दोनों से आप वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी सारे फीचर्स जो पनोरामा होती है, स्लो मोशन होती है, टाइम लैप्स होती है, सारे चीज इस फोन के अंदर में दिए गए हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। इसमें आपको IP52 का सर्टिफिकेशन मिलती है, IP68 नहीं मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा बहुत डस्ट और पानी वानी से बचाएगी, बट ये फुली वाटर प्रूफ ये फोन नहीं है। तो बाकी यही थी आज की वीडियोस। और एक और चीज जो है इस फोन के अंदर में, आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं, 3.5 mm का जैक नहीं मिलते हैं। बाकी यही थी आज की वीडियोस, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। और हाँ, आप लोग से एक शिकायत है, आप में से बहुत सारे लोग चैनल पे आते हैं, वीडियोज देखते हैं, चले जाते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज यार, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो बस यही थी आज की वीडियोस, कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो लाइक भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए, टेक केयर एंड गुड बाय।